देखो क्वेश्चन है, पार्टिकल पी दो कैपेसिटर्स हैं, ये फर्स्ट कैपेसिटर है और ये सेकंड कैपेसिटर है, कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट एंड 0.04 माइक्रोफेरेड एंड सिमिलरली 0.04 माइक्रोफेरेड, और कोई पार्टिकल पी जिसके ऊपर चार्ज की वैल्यू गिवन है -0.01 माइक्रो कूलम, जो इसके बीच में है, ठीक। और क्वेश्चन में ये गिवन है कि आपको पार्टिकल पी को स्टेशनरी रखना है, आप ये चाहते हो कि पार्टिकल पी किस पे रहे, एट रेस्ट पे रहे। पार्टिकल पी अगर आप चाहते हो कि रेस्ट पे रहे, तो इसका वेट इससे नीचे गिरेगा mg, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन इसे बचाएगी। तो यानी कि अगर आप चाहते हो कि पार्टिकल पी रेस्ट पे रहे, तो mg मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, QE, mg QE के इक्वल हो। QE कैसे? क्योंकि इलेक्ट्रो कैपेसिटर की प्लेट के बीच में क्या होगा, फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में पार्टिकल पी को रखा गया है, तो पार्टिकल पी रेस्ट पे रह सकता है। क्यों? क्योंकि QE फोर्स अगर ऊपर लगेगी, mg नीचे लगेगी, तो mg इज इक्वल टू QE, पार्टिकल पी विल रिमेन एट रेस्ट। कोई डाउट इसमें? ठीक। मेरे को क्वेश्चन में निकालना क्या है, मेरे को क्वेश्चन में निकालना है कि मैं कितना V अप्लाई करूं, मैं बैटरी की V कितना रखूं ताकि वो पार्टिकल किस पे रहे, एट रेस्ट। क्वेश्चन समझ में आ गया? और ये समझ में आ गया इसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहां से बनेगा, mg इज इक्वल टू QE, और इसमें mg मस्ट बी इक्वल टू चार्ज, चार्ज कितना है, नेगेटिव चार्ज 0.01, नेगेटिव साइन नहीं पुट करना, मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि वेक्टर ऑपोजिट है, इंटू 10^-6 इंटू कितना, ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है यहां तक। या फिर एम इंटू जी इज इक्वल टू 0.01 इंटू 10^-6 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, तो ई की जगह क्या पुट करेंगे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है यहां तक। तो यहां से एम जी इज इक्वल टू 0.01 × 10^-6 कितना, -6 इंटू सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया, लेकिन ये सिग्मा किसका है, प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर का। तो मान लो प्लेट ऑफ कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, क्यू डैश, बैटरी की वजह से क्यू डैश, तो यहां पर क्या आएगा, सिग्मा की जगह क्यू डैश डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। यहां तक स्टार्ट यहां से किया था रेस्ट के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा का मतलब चार्ज ऑफ पॉइंट चार्ज नहीं, चार्ज ऑफ कैपेसिटर बाय एप्सिलॉन नॉट, ये रहा। तो अगर मैं आपको क्यू डैश की वैल्यू बताऊं, क्यू डैश निकालने के लिए वो दो कैपेसिटर्स किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो 0.04 कनेक्ट सीरीज में करोगे तो क्या आएगा, 0.02 कनेक्टेड बाय अ बैटरी ऑफ वी वोल्ट, ठीक। तो चार्ज इस कैपेसिटर पे क्या होगा, 0.02 × 10^-6 इंटू वी वोल्ट, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो कैपेसिटर के ऊपर क्या आ गया, चार्ज क्यू डैश आ गया। और क्योंकि वो दोनों किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में, तो चार्ज की वैल्यू इसकी और उन दोनों की एग्जैक्टली सेम है, ठीक। तो आप यहां पर Q डैश की वैल्यू पुट कर सकते हो, कितनी, Q डैश इज 0.02 × 10^-6 इंटू वी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। आपको इस क्वेश्चन में A पता है, तो यहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, V की, 44 माइक्रो वोल्ट इसका आंसर है। इसको जाके सॉल्व कर लेना, पर मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे अगर प्लेट्स के बीच में पार्टिकल P को रेस्ट पे रखना है, तो कैसे वेट बैलेंस करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को, तो वहां से आंसर आएगा, ठीक। आइडिया क्लियर है, हालांकि कैलकुलेशन वाइज काफी बड़ा है और कंपटीशन में इतनी कैलकुलेशन नहीं आएंगी, बट ये है कि इसका कॉन्सेप्ट जो है वो पता होना चाहिए। जैसे किसी न्यूमेरिकल में आपको वो ई दे देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे देगा, या आपको किसी न्यूमेरिकल में सिग्मा दे देगा इस कैपेसिटर का, तो सिग्मा पता होगा फिर तो क्वेश्चन यही खत्म हो गया, सिग्मा की वैल्यू पुट करके या जो भी मास पूछ लेगा या जो निकालना है वहां से आंसर। बेसिक स्टार्टिंग पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है। और लास्ट क्वेश्चन देखो इसका,
देखो इस क्वेश्चन के अंदर कुछ ऐसे गिवन है, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाइज लंबा क्वेश्चन है, बट कॉन्सेप्ट वाइज आपको पता होना चाहिए कि हो सकता है इस क्वेश्चन के दो तीन पार्ट्स और निकल आए। क्वेश्चन में ऐसे गिवन है कि लेट अस सपोज ये एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, ये भी एक प्लेट ऑफ कैपेसिटर है, दो कैपेसिटर इसमें गिवन है कुछ ऐसे। ये कैपेसिटर सी वन है और जिसकी वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी वन, क्योंकि प्लेट्स के बीच में सेपरेशन इज डी वन, और यहां पर इसकी जो कैपेसिटेंस होगी एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी टू। ठीक है यहां तक। लेंथ इस प्लेट की गिवन है ए, स्मॉल ए प्लेट की लेंथ गिवन है। एक इलेक्ट्रॉन मिड पॉइंट से चला और वो इस तरफ मुड़ गया सच दैट इस प्लेट को टच करता हुआ बाहर निकल गया, इसको हिट नहीं करेगा। ऐसा तभी होगा जब वर्टिकल में डिस्टेंस कितना कवर हो जाएगा, डी वन डिवाइडेड बाई टू, जो वाई एक्सिस में डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये डी वन बाई टू आधी प्लेट का एग्जैक्टली, और एक्स एक्सिस में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये एक्स इज इक्वल टू ए पूरी प्लेट जितना। पार्टिकल सीधा यहां से आया था, पार्टिकल यहां से सीधा एंटर किया था विद सम वेलोसिटी, विद सम इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, पर ये सीधा जा नहीं पाया। क्यों? क्योंकि साफ पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सेलेरेशन जो है इस पर एक्सेलेरेशन लगेगी और या फोर्स लगेगी, क्योंकि कैपेसिटर चार्ज था और जब कैपेसिटर चार्ज था तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड ने इसे ऊपर मोड़ दिया। ठीक है यहां तक, तब ये मुड़ा, नहीं तो क्यों मुड़ता तो सीधा चला जाता, और ये डायग्राम इसमें बन गया। ठीक है यहां तक। और हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहां पे या यहां पे हिट ना करे, एकदम यहां से चला जाए, तो ऑलमोस्ट ये वाई एक्सिस का डिस्टेंस कितना होना चाहिए डी वन बाई टू, और एक्स एक्सिस का तो वो ए कवर करेगा। ठीक। अब क्योंकि इनिशियली वो सीधा गया था तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी वाई एक्सिस की वेलोसिटी क्या मानी जाएगी, जीरो, और एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो लेनी पड़ेगी आपको इस तरफ, क्योंकि इनिशियली इसको कैसे फेंका गया था एक्स के अलोंग, इनिशियली प्रोजेक्टेड अलोंग एक्स एक्सिस, तो वाई एक्सिस की वेलोसिटी इनिशियली जीरो। ये प्रोजेक्टाइल की तरह क्वेश्चन बन गया, प्रोजेक्टाइल में एक एक्सिस की वेलोसिटी जीरो और दूसरी पैराबोला, बात तभी बनता है। तो इसमें अगर इक्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग लगाएं तो एक्स के अलोंग इक्वेशन, एक्स के अलोंग वेलोसिटी की वैल्यू क्या रहेगी कॉन्स्टेंट, तो आप इक्वेशन ए की अप्लाई कर सकते हो। क्या एस इज इक्वल टू वी टी, तो डिस्प्लेसमेंट कितनी है ए, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी है वेलोसिटी, मान लो वेलोसिटी एक्स, एक्स डाल लेते हैं यहां पे, वेलोसिटी है कि वी एक्स कर लो कुछ भी कर लो, और इनटू टाइम टेकन कितना है यहां से वहां जाने में टी, तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। और आपको क्वेश्चन में निकालना भी यही है वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, आपको यही बताना है कि एक्स एक्सिस के अलोंग कितनी वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया गया ताकि वो वहां से बाहर निकल जाए, आपको ये निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है यहां तक। ठीक, ये वैल्यू आ गई। और अगर एक्सिस वाई एक्सिस लिया जाए तो वाई एक्सिस में तो एक्सेलरेशन है, कितनी एक्सेलरेशन है क्यू ई बाय एम, वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन क्या होती है क्यू ई, फोर्स क्या होती है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू ई, और क्यू ई को एम से डिवाइड करोगे तो क्या आएगी एक्सेलरेशन। तो वाई एक्सिस में यू विल अप्लाई एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो यानी कि डी वन बाई टू इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी वाई की जीरो है हाफ इंटू ई बाई एम इंटू टी का स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू यहां से यहां पुट कर दो तो हाफ बाई एम और टाइम की जगह ए वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर। ठीक है यहां तक। ठीक, प्रोजेक्टाइल की तरह चल रहा है, एक्स एक्सिस में वेलोसिटी एस इक्वल टू वी टी और वाई एक्सिस में एस इज यू टी प्लस हाफ at स्क्वायर, और एक्सेलेरेशन y एक्सिस की qe by m, और चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ee by m। ठीक है यहां तक। मेरे को इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, ये निकालना है।
मेरे को इस क्वेश्चन में क्या नहीं गिवन अभी, ए नहीं गिवन, बाकी सब तो ठीक है। अब ई निकाल लें, अब ई की वैल्यू क्या पुट करेंगे, डी वन इज इक्वल टू ई बाय एम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ए का स्क्वायर बाय वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस का होल स्क्वायर, ठीक है यहां तक यही वैल्यू होगी, कोई डाउट इसमें। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में, ये प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर के बीच में न्यूमेरिकल चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन, पुट कर दिया। अब ये बताओ सिग्मा क्या होता है, चार्ज डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक। अब यानी कि मुझे क्या निकालना पड़ेगा, कैपेसिटर का चार्ज, ठीक है। अब वो दो कैपेसिटर किसमें कनेक्टेड है, इन सीरीज, सीरीज, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आएगी इनकी, सी वन इंटू सी टू बाय सी वन प्लस, एंड दे आर कनेक्टेड बाय सम पोटेंशियल डिफरेंस वी, बैटरी का पोटेंशियल वी है, तो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी, सी इक्विवेलेंट इंटू वी, यानी कि सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी। इस चार्ज को यहां पुट कर लेते हैं तो डी वन इज इक्वल टू ई बाय एम, सी वन सी टू सी वन प्लस सी टू इंटू वी डिवाइडेड बाय ए एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय वेलोसिटी एक्स का होल स्क्वायर। सी वन सी टू में निकाला हुआ है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, यहां से सॉल्व करते रहना, वेलोसिटी एक्स एक्सिस के लॉन्ग आएगी, इतना बड़ा क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट ये है कि एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैराबोलिक पाथ है, पैराबोलिक पाथ को कैसे सॉल्व करना है, और कैसे ये सीरीज में है, और किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लगाया जा रहा है। अब हो सकता है इस क्वेश्चन का एक छोटा फॉर्म आ जाए, सिर्फ आपको सीधा ई की वैल्यू दे दे वो आपको इतना चार्ज निकालने को ना दे, अगर वो को डायरेक्टली ई की वैल्यू दे देता है तो आपका क्वेश्चन यहीं खत्म हो जाता है, और यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है, क्या यहाँ तक क्लियर है, ठीक। तो अब जो क्वेश्चन बचे वो डाउट्स की फॉर्म में अब चलेंगे, तो हर क्लास में एक एक दो दो शीट्स हम करते जाएंगे, टाइम है हमारे पास, तो अब जो आपको आज शीट्स दी हैं वो सारी की सारी ट्राई करके लानी है, और पिछली शीट्स तो आपने कर ही ली होंगी कुछ ट्राई, तो दोनों शीट्स के जो डाउट्स हैं, दोनों होमवर्क, वो नेक्स्ट टाइम से हम निकालना शुरू करेंगे, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट बिना ट्राई किए ना आए प्लीज़।